दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एटीएम कार्ड फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसकी फर्स्ट टाइम लेने की फीस जो होती है 349 रुपये, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल रहता है। फर्स्ट टाइम जब आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट अगर पहले से ही ओपन है या अगर न्यू ओपन करवाना चाहते हैं, आप लोग ओपन करवा के जो फिजिकल डेबिट कार्ड है, जिससे एटीएम मशीन से, किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे आप लोग निकाल सकते हैं, उसके फर्स्ट टाइम लेने की फीस 349 रुपये है। वहीं अगर आपका एटीएम कार्ड का एक साल कंप्लीट हो जाता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल के, यानी कि जो एटीएम कार्ड के रिन्यूअल फीस जिसे बोला जाता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एक साल कंप्लीट हो जाने पर नॉट रिफंडेबल, यानी कि ये पैसा जो अगर आपका 199 रुपये जो चार्ज है एक साल कंप्लीट हो जाने पर, ये पैसा रिफंड नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। यानी कि एक साल का इनका कंप्लीट हो जाने पर एटीएम कार्ड का चार्ज है 199, जो कि आपके प्रत्येक साल एटीएम के एक साल कंप्लीट होने पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जब भी आप पैसे रखेंगे काट लेगा ये बैंक ऑटोमेटिकली। और अगर आप लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर इनका आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड भी, यानी कि सिर्फ डिजिटल डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको 25+ जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि 25 रुपये और उसमें जीएसटी 18% शायद ही जोड़ा जाएगा, यानी कि लगभग आपका 30 से 35 रुपये ईयरली फीस है सिर्फ वर्चुअल कार्ड की, जो कि अदर्स बैंक जो पेमेंट्स बैंक है वो फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ 349 रुपये इनके फिजिकल डेबिट कार्ड के, ईयरली फीस 199 जिसमें, और अगर कैश विड्रॉल अगर आप लोग 5 बार या 3 बार से अधिक कर लेते हैं, शायद 5 बार महीने में, तो 21 रुपया प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा कैश विड्रॉल चार्ज। या बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हैं तो 8 रुपया उसमें भी प्लस जीएसटी है, इनके वेबसाइट में पूरी तरह से दिया गया है, आप लोग गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक डेबिट कार्ड ऑल डिटेल या ऑल चार्जेस, तो आपको पूरा एक लिस्ट या पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक सो मच।